सुरेंद्र प्रसाद केसरी फिर बने एमजेके कॉलेज के प्राचार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया नगर निगम स्थित महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय से है, जहां चंपारण का प्रसिद्ध कॉलेज महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में सुरेंद्र प्रसाद केसरी ने एक बार फिर अपना पदभार संभाला। पदभार संभालते ही उन्होंने महाविद्यालय के शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने एवं छात्रों को राजनीति से दूर रहते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही तथा महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी का सहयोग मांगा। मौके पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं श्री सुरेंद्र प्रसाद केसरी के आने से कॉलेज एवं जिले के गणमान्य लोगों में भी खुशी का माहौल दिखा। वहीं खुशी व्यक्त करने वालों में सेवानिवृत्ति पुलिस उपाधीक्षक रमेश चंद्र उपाध्याय, समाजसेवी पुण्य प्रसाद, श्री योगेंद्र प्रसाद, सुरेश सिंह, बबलू सिंह, धनरंजन कुशवाहा, वाल्मीकि प्रेस क्लब के सचिव निरंकार भास्कर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यम सिंघानिया, संगठन सचिव जय किशोर शर्मा, शेखर सोनी, शैलेश कुशवाहा, नीरज सिंह, जयप्रकाश सिंह, ऐसे ही अनेकों लोग शामिल रहे। बिहार के बेतिया से द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। जी सर, आपको फिर से पद मिला है तो उसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद जी, मैं धन्यवाद उन सारे लोगों को देना चाहूँगा जो मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना किए हैं और इसमें जगह जगह। सर, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इतने उग्र रूप कुछ देखने को मिला, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक रूटीन वर्क है जी। प्रशासन में लोगों को आना है ना, जिला प्रशासन हो, कॉलेज प्रशासन हो, इसमें एक प्रक्रिया है आने और जाने के, और उससे बच्चों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। बच्चों को किसी का मुहरा नहीं बनना चाहिए। बच्चों को जो है बंदूक की नाल पर कोई जो है कंधे पर बंदूक रखे, इससे उसको बचना चाहिए। बच्चे जो है कच्चे उम्र के होते हैं और उनके दिमाग में जो भर दिया जाता है उनको लगता है कि यही सच्चाई है। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, खुद के सामने आया, एक्सटेंशन काउंटर की शुरुआत मैंने की थी, दर्जनों बार चिट्ठी हमने लिखी थी, डीसी को हमने जा करके दिया था सब कुछ। बीच में जो है घोषणा हुई, तो घोषणा अखबार में आया, अखबार की घोषणा को आप मानते हैं? सर, बच्चे बोल रहे थे कि गेट जो है दो साल तक बंद रहा, 2020 से 22 तक। हाँ, बंद रहा। आखिर इसका रीजन क्या था? नहीं, दूसरा गेट खोल दिया गया था। दो गेट यहाँ खुलता है, एक बीएसएनएल की तरफ से और एक गेट, इस गेट को बंद करके उधर का गेट खोल दिया गया था, ऐसा नहीं कि एक ही गेट था। सर, कुछ बच्चों का मांग है कि मेन गेट खुला हुआ रहना चाहिए, तो क्या खुलेगा या फिर? किसी भी कॉलेज में चले जाइए, हम अभी एक दिन गए एलएस कॉलेज में, जो हम लोग वहीं से पढ़े हैं, एलएस कॉलेज का गेट जो कभी बंद नहीं होता था, वो भी ओपी राय बंद करा दिया। आवश्यकता अनुसार बंद होता है, आवश्यकता अनुसार खुलता है। ये भी कॉलेज का अपना निजी मामला होता है, परीक्षा होती है तो सारा गेट बंद कर दिया जाता है। वहीं बीपीएससी की परीक्षा हो, सरकारी परीक्षा हो, हमारे पुलिस प्रशासन वहाँ रहती है, तो किसी की हिम्मत होती है जाने के लिए? तब कैसे कंट्रोल रूप में लोग आते हैं? और एक माफिया जो है, निश्चित रूप से माफिया को कंट्रोल करने के लिए हमने जो है एक प्रयोग किया था, मुझे लगता है कि यह प्रयोग यहाँ करने की जरूरत नहीं। सर, आपके जो भी शिक्षक गण है उनसे क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक गण से यही कहेंगे कि सामने नैक है, और नैक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम नियमित रूप से अपने रूटीन के अनुसार कॉलेज में आए, क्लास करें, बच्चों को प्रभावित करें, और बच्चों की शिकायत नहीं रहे कि हमारा क्लास नहीं होता है। जो भी हमारा संसाधन है उसमें हम करें।